हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है संडे है, इसलिए आज एक ब्लॉग शूट करेंगे। बाहर कितनी तेज़ धूप हो रही है, क्योंकि ये ब्लॉग जो है मैं शाम को आज शूट करना शुरू करा है। सुबह मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैंने सुबह को जो है ये ब्लॉग शूट नहीं किया, और शाम को मैं ये दोपहर के वक्त ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और देखते ना, आज जो है सलोनी को मैंने कहा है चाय बना के लाने के लिए, तो सलोनी अभी चाय बना के लाएगी। और आज मैं बाहर नहीं गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसलिए नहीं गया था क्योंकि अब तीन छुट्टियाँ इकट्ठी आ रही हैं। एक तो आखिरी जुम्मे की, उसके बाद ईद की, और उसके बाद आ रही है संडे की। तो उसमें हम कहीं ना कहीं बाहर का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी मेरा दोस्त आएंगे, उनके साथ बैठ के मैं बात करूँगा कि वो कहाँ जाना चाहेंगे, क्योंकि तीन दिन है, एक ना एक दिन तो बाहर जाना ही है। अगर वो नहीं जाएंगे तो फैमिली के साथ जाएंगे, अगर फैमिली भी नहीं जाएगी तो मैं अकेला ही निकल लूँगा। सही है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो ब्लॉग बनाना ही है, और बाहर का ब्लॉग ज़्यादा चलता है, इसलिए बाहर का ब्लॉग ही बनाएंगे। चेक कहीं का बनाएं, बनाएंगे ज़रूर। तो अभी सलोनी आ जाए, उसके साथ फिर चाय पी के फिर प्लानिंग करते हैं थोड़ी सी, और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, चाय तो आ गई है, और सलोनी जो है चाय दे के चली गई है, तो कह रही है अभी आके बात करूँगी। तो पहले चाय पी लें, फिर उससे बात करेंगे। ये जो बच्चे हैं अब गली में आ गए हैं, इनका आज खेलने का मन है, तो चेरी को लेके गली में बैठे हुए हैं। चेरी क्या कर रही है भाई, तू भी शैतान होती जा रही है पूरा। बता दे रहे टैक्स वही निकाल के लाया हूँ, बस हमारा मन नहीं था। क्यों देवाज भाई बोलता क्यों नहीं तू? अच्छा, वो तीन छुट्टी आ रही भाई, कुछ डिसाइड कर लो कहीं घूमने का। ये मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, समय की मात चल रही बहुत। आज भी उन्होंने तुम्हारे कहने पे छुट्टी ले ली दुकान से। तो देवाज भाई, अब तुम्हारा क्या सीन है? सुबह सुबह हरिद्वार चले और दोपहर 11-12 बजे वापसी आ जाएंगे। हिसाब की बात है, अरे देखो पहले से बता के रखोगे तभी तो हिसाब भी बनाएंगे हम। अब एकदम तो हिसाब नहीं बनता, देखो कहीं जाने का हिसाब बनता। छुट्टी तो है लेकिन फंड्स की कमी है थोड़ी। फंड्स लगने का ही नहीं, कितना फंड्स लग जाएगा? हरिद्वार आने जाने में तुम्हारी बाइक ही 55 को तो एवरेज दे ही रही, ठीक है ना? और मतलब 2-3 लीटर तेल लग जाएगा। चलो देखते हैं। 300 रुपये उसके, 300-400 रुपये खाने के, दोनों के 500-500 रुपये भी नहीं लगने के। और फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ जो है लक्ष्मी चाट भंडार पे आया हूँ, जो कि कैलाशपुर का एक फेमस चाट भंडार है। और हमारे दोस्तों से कोई भी अभी कहीं जाने का कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो अभी यहाँ पे चाट खाने के बाद जो है फिर घर पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या डिसाइड होगा। कैसी लगी आपको चाट? तो फ्रेंड्स, हम जो है 5-स्टार ढाबे पर आ गए, और यहाँ पर जो है आइसक्रीम खाएँगे हम, देखते हैं कौन कौन सी पसंद करेंगे दोस्त। कौन सी ले रहे हो? चलो एक कनेटो ले लो यार, चलो ठीक है फिर। तो हाँ, पूरी खाएंगे हम, ले भी करो। तो फाइनली गाइस, मैं घर जा चुका हूँ, और दोस्तों को जो है बहुत मनाने की कोशिश करी कि भाई तीन छुट्टियाँ हैं, कहीं ना कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन वो नहीं माने। एक का तो देखो दुकान का काम है, मिठाइयों की दुकान है मेरे दोस्त की, तो इस वजह से वो कह रहा था भैया ईद पे तो देखो मैं बहुत बिजी हूँ, और मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए हुए हैं तो उन्हें पूरा करना है, तो इसलिए वो नहीं जा सकता। और दूसरा जना ये कह रहा है कि भैया मेरा कुछ पक्का नहीं है। तो अब जो है सलोनी से पूछता हूँ, अगर वो तैयार हो गई तो फिर आपको प्रोग्राम बनाते हैं, बताते हैं कि हम कहाँ जाएंगे फ्राइडे सैटरडे संडे को। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाएंगे। और आज के ब्लॉग पर लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों का, जिससे कि वो भी मेरे आने वाले ब्लॉग देख सकें मेरे टूर का, जहाँ की हम ट्रिप लगाएंगे। फ्रेंड्स, आखिरकार सलोनी भी मना कर रही है, अब तो जो है खुद ही अकेले ही जाना पड़ेगा, लेकिन जाऊँगा ज़रूर इस बार फ्राइडे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।